हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज विच एंजाइम शोज ग्रेटेस्ट सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। आवर ऑप्शंस आर ए न्यूक्लियस, बी ट्रिप्सिन, सी सुक्रेस एंड द फोर्थ वन इज पेप्सिन। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला है कि इनमें से कौन सा एंजाइम है जो सबसे ज्यादा सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी देता है। तो पहले हम ये मतलब समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। देखिए इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एंजाइम, कोई पर्टिकुलर जो एंजाइम है वो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही ऐड हो, सबस्ट्रेट के साथ ऐड होके उसे प्रोडक्ट में चेंज करे। ऐसे नहीं कि कोई सा भी एंजाइम किसी भी के साथ ऐड हो रहा है, वो किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ ही ऐड हो और उसको प्रोडक्ट में चेंज करे। तो यही क्वेश्चन बोला है कि वो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट किस एंजाइम में शो होता है। तो फर्स्ट लेट अस नो द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन हमें क्या पता होना चाहिए, वी शुड नो डिफरेंट एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। ओके, हमें डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम की सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी पता होनी चाहिए। ओके, तो देखिए इन चारों ऑप्शन में जो सबसे ज्यादा सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी शो करता है वो है सुक्रेस, सुक्रेस एंजाइम। और ये क्या करता है सुक्रेस एंजाइम, तो इट कन्वर्ट सुक्रोस। अब देखिए ये सुक्रोस के साथ ही बाइंड होगा, सुक्रोस का बाइंड होकर इसको किस में कन्वर्ट करता है, इसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ठीक है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी विल बी अ राइट ऑप्शन। ठीक है, अब एक बार हम बाकी ऑप्शंस को भी देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, तो देखिए जो न्यूक्लियस एंजाइम है ये क्या करता है, इट ब्रेक डाउन, ये ब्रेक डाउन करता है किसको, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इन न्यूक्लिक एसिड और इन न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रिप्सिन, देखिए ट्रिप्सिन क्या करता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है, प्रोटीन डाइजेस्ट करता है ये, और कहां करता है, ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में, इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, देखिए पहले जो ट्रिप्सिन होता है ये एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है, वो कौन से फॉर्म में होता है, इनएक्टिव, उसका नाम क्या है, ट्रिप्सिनोजन। ये ट्रिप्सिनोजन पहले कन्वर्ट होगा ट्रिप्सिन में और फिर ये ट्रिप्सिन प्रोटीन के डाइजेस्ट को, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ पेप्सिन, देखिए पेप्सिन का भी ये रोल होता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, बट ये कहां करती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये करती है स्टमक के अंदर। ओके, सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।